ज्ञान की उड़ान YouTube चैनल में मैं आपका दोस्त हर के श्रीवास्तव बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो रिलायंस जियो के विषय में है। यह काफ़ी इंटरेस्टिंग बिंदु जो मैं बहुत ही रिसर्च करके खोज करके मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जो कि निश्चित ही आपको जियो से संबंधित काफ़ी कुछ जानकारी आपको देगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है रिलायंस जियो के विषय में अद्भुत अकल्पनीय जानकारी, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला है कि 250 रुपए का डाटा प्रतिदिन देने वाली, मुफ्त देने वाली यह पहली कंपनी है पूरे वर्ल्ड की जो 250 रुपए का डाटा अपने ग्राहकों को पर डे देती है। अगला है सबसे कम कीमत पर डाटा वॉइस कॉल फ्री रोमिंग देने वाली दुनिया की पहली कंपनी है। हर दिन 5 से 10 लाख ग्राहक जियो से जुड़ जाते हैं। एक महीने में 1.60 करोड़ ग्राहक, कंपनी ने दावा किया था कि 1.60 करोड़ ग्राहक बनाने वाली दुनिया की पहली कंपनी है ये। अगला था कि जियो के पास 25 लाख किलोमीटर से ज़्यादा की ऑप्टिकल फाइबर केबल है। यह केवल जियो के पास ही इतना बड़ा नेटवर्क है और विश्व में किसी के पास नहीं है। यह दोस्तों यूनिक है जियो के लिए, हमारे देश की जो जियो कंपनी है इसके लिए ये यूनिक है सब। जियो का नेटवर्क 20,000 शहर और 2 लाख गांव तक पहुंच चुका है। अगला है जियो के विषय में कि जियो 100% VOLTE नेटवर्क देने वाली दुनिया की पहली कंपनी है, जो कि ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जो 100% वोल्टी देती हो। अगला है जियो युवाओं की कंपनी है जिसमें काम करने वाले लोगों की औसत आयु 30 वर्ष है। जियो में लगभग 60,000 लोग काम करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा फर्को जो काम करने वालों का नेटवर्क है ये। 24 सितंबर 2015 को शाहरुख खान जियो के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे। अगला है जियो ने LTE टावर 90,000 तक अभी तक उसने बना लिए हैं जियो ने। जियो के टावर इको फ्रेंडली होते हैं, ये पेड़ की तरह खड़े रहते हैं, जैसे कि और अदर कंपनियों के जो टावर होते हैं वो काफ़ी एरिया कवर करते हैं, लेकिन जियो के टावर जगह भी कम लेते हैं और एकदम पेड़ की तरह खड़े भी रहते हैं क्योंकि कम जगह लेते हैं। जियो के लॉन्च होने के बाद औसतन 1,000 ग्राहक हर मिनट जोड़े हैं जियो ने, 1,000 ग्राहक पर मिनट। जियो ने हर दिन करीब 6 लाख नए ग्राहक जोड़े हैं हर दिन। जियो के पास 22 4G स्पेक्ट्रम है जोन है, 22 जो कि सबसे ज़्यादा है। एयरटेल के पास 15 है, आइडिया के पास 10 हैं और वोडाफोन के पास केवल 8 हैं। अगला है जियो ने EKYC जो कि आधार कार्ड से सिस्टम आधार कार्ड से करने वाली दुनिया की पहली कंपनी है। इसने इतनी जल्दी इसने फास्ट जो है EKYC जो करवाते हैं, जो सिम लेने के दौरान आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, पहले काफ़ी टाइम लगता था, हफ्ता 10 दिन लगता था, लेकिन जब से जियो आया उसने आधार कार्ड से EKYC तत्काल कर दिया, तो ये पहली कंपनी है। अगला है जियो 4G की औपचारिक शुरुआत 5 सितंबर 2016 को हुई थी। तो दोस्तों ये रहे कुछ जियो से संबंधित इंटरेस्टिंग जानकारी। अगर आपको और टॉपिकों पर काफ़ी इंटरेस्टिंग जानकारी चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, मैं उन विषयों को रिसर्च करके खोज करके आप लोगों के लिए बेहतरीन जानकारी ले करके इस वीडियो में आऊँगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उन वीडियोज को सबसे पहले देख पाएं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।